छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 78 प्रत्याशियों की घोषणा के बीच अंतर खाने में कई प्रबल दावेदारों को टिकट न मिलने का मामला सामने आ रहा है। भाजपा की घोषित 78 सीटों में एक मंत्री सहित कई विधायकों की टिकट काट दी गई है, लेकिन वहीं कुछ हारे हुए प्रत्याशियों को भी इस बार पार्टी ने फिर से मौका दिया है। इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नंदे साहू पर भी पार्टी ने फिर से दाव खेला है। क्लिपर 28 ने इस मामले में भाजपा नेता छगनलाल मुंदड़ा से चर्चा की। रायपुर ग्रामीण से हारे हुए प्रत्याशी नंदे साहू को फिर से टिकट दिए जाने के सवाल पर छगनलाल ने कहा कि रायपुर ही नहीं बल्कि जिस विधानसभा में पार्टी को लगा कि उक्त प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है उसको वोट दिया गया। पार्टी ने यह नहीं देखा कि कौन एक से दो बार हारा या जीता हुआ प्रत्याशी है, ये पार्टी के लिए महत्व नहीं रखता। जहां तक बात है रायपुर ग्रामीण की, तो पार्टी को लगा कि नंदे साहू चुनाव जीत सकता है, इसलिए उसको टिकट दिया गया। कई प्रबल दावेदारों के नाम काटने के सवाल पर छगनलाल ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता और प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों में योग्य दावेदार हैं, लेकिन प्रदेश में 90 ही विधानसभा सीट हैं, ऐसे में पार्टी सभी को टिकट नहीं दे सकती, परंतु पार्टी में सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सर इस बार हारे हुए प्रत्याशी को, जो पिछले बार हारे थे नंदे साहू जी को, इस बार फिर से टिकट दी गई है, जबकि भाजपा में कई विधायकों के टिकट कटे हैं और मंत्री के भी टिकट कटे हैं, तो ऐसे में ये निर्णय क्या दिखाता है? नहीं, खाली रायपुर में नहीं, जहां उपयुक्त लगा पार्टी को कि जो चुनाव जीत सकता है पार्टी ने उसको टिकट दिया है। हारा है नहीं हारा है, एक बार हारा है दो बार हारा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता पार्टी में। आज की स्थिति क्या है, आज का समय क्या है, और पार्टी को लगा, और पार्टी को नहीं कार्यकर्ताओं को भी लगा और सबको लगा, इस समय यदि रायपुर ग्रामीण से कोई जीत सकता है तो नंदे साहू जीत सकता है, इसलिए पार्टी ने उसको टिकट दिया। रायपुर ग्रामीण से राजीव अग्रवाल का नाम भी आ रहा था, प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, तो उनको टिकट नहीं मिलने का कुछ तो मलाल होगा। नहीं, 90 के 90 विधानसभा से बहुत सारे दावेदार थे और सब योग्य दावेदार थे, ऐसा कोई नहीं है कि जो टिकट मांग रहा है वो योग्य है या नहीं है करके, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता योग्य है और जो टिकट मांग रहे हैं वो बिल्कुल उनकी योग्यता पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन पार्टी टिकट एक ही आदमी को दे सकती है, प्रत्याशी एक ही हो सकता है, तो इसलिए, और सरकार बनने के बाद बहुत सारे पद हैं, बहुत सारा स्थान है जहाँ पर सब जिम्मेदार लोग जो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं पहली बार भी बनाए हैं, दूसरी बार भी बनाए हैं, इस बार भी बहुत लोगों को सरकार ने सम्मान दिया है, उनकी सेवा का उनको सम्मान दिया है, तो आने वाली सरकार में भी जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनको उनकी सेवा का सम्मान मिलेगा। बाकी बची से सीटों पर कब तक घोषणा कर दी जाएगी? नहीं, इसके बारे में तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे आपको। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.